फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम हमारा बीएबीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक का जो मैट्रिक्स स्पेस चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर फोर्थ, उसके एक्सरसाइज 4.1 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। तो देखो, हमारे लेक्चर 1 में क्या चल रहा था कि हमने क्वेश्चंस किए थे। सबसे पहले तो था कि मैट्रिक्स स्पेस को अगर हमें प्रूव करना है तो हमारे पास चार कंडीशंस होती थी कि हम उनको सेटिस्फाई कर देते थे। सबसे मेन बात, अगर आप लेक्चर 2 देख रहे हैं तो लेक्चर 1 आपको आना चाहिए, क्योंकि उसमें बेसिक था और वो रिपीट नहीं हो सकता है हर लेक्चर में। ओके, तो अभी इस चैप्टर के हम 5 या 6 लेक्चर्स करेंगे, तो ऐसे हर एक लेक्चर में तो हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो आपको लेक्चर वाइज देखना पड़ेगा। ओके, तो देखो, जहाँ से हमने छोड़ा था लेक्चर 1 के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्या है अभी हमारी, मतलब मेन बात क्या है कि प्रॉपर्टी वही चलेगी। मैंने आपको बताया था कि 3 प्रॉपर्टी तो हमारी सेम होती हैं सारे क्वेश्चंस में, लेकिन जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो अलग होती है। तो हमारी प्रॉपर्टी अभी वो चल रही थी जिसमें हमारा इधर मोड होता है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में हम क्या करते थे कि कोई नंबर होता था, जैसे यहाँ एक्स वाई है तो हम जेड को इसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते थे। ओके, तो हमारा वो वाला तरीका चल रहा था, मतलब जो अब हमें वो वाले क्वेश्चंस कर रहे थे सारे के सारे जिनके अंदर हमारे मोड होते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है वो आपकी बुक का है, एग्जांपल नंबर 7th है। ओके, तो अब मैं आपको वो कराती हूँ। हम क्वेश्चंस बिल्कुल A to Z सारे करेंगे, लेकिन मैं अपने तरीके से करवा रही हूँ कि किस तरीके से आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, लेक्चर 1 में भी हमने मोड वाले क्वेश्चन किए थे, आज 2 क्वेश्चंस मोड वाले हैं। देन हम नेक्स्ट जो हमारा तरीका होगा, मतलब क्वेश्चन जो नेक्स्ट टाइप के होंगे वो करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले लेक्चर 1 मस्ट है, वो आना चाहिए, तभी ये आएगा। ओके, तो देखो क्या है कि लेट जो एक्स है वो डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस। मतलब एक्स क्या डिनोट कर रहा है कि मतलब उसके अंदर जो भी सेट, मतलब उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उस सेट के अंदर, वो सारे के सारे क्या होंगे, बाउंडेड सीक्वेंस होगी उन सब की ऑफ रियल नंबर। बाउंडेड का मतलब क्या है कि जो कोई जो सेट होगा हमारा, कोई पर्टिकुलर सेट, वो किसी ना किसी वैल्यू से, एक पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ा होगा और किसी ना किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से छोटा होगा, तब हम उसको क्या बोलते थे सीक्वेंस को, बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, तो वही है। तो हम नॉर्मली क्या लिख देते हैं कि जैसे हमें बोल रखा है कि x डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस को, तो जो इसका मतलब क्या हमें पता चला कि जो सेट होगा ना, वो पर्टिकुलर किसी का ना किसी नंबर से छोटा भी होगा और बड़ा भी होगा, इसी वजह से उसको हम बाउंडेड बोलते हैं, क्योंकि हमें उसकी बाउंडनेस का पता चल जाता है। ओके, तो ये ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं कि x डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। देन जो हमारा x है वो क्या है, xn मोड ऑफ xn लेस देन इक्वल टू k, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स, मतलब हमारी पॉजिटिव टर्म्स मिलेंगी। ओके, और वो लेस देन इक्वल टू k है, मतलब कि उसकी बाउंडनेस बता दी हमें। डिफाइन अ फंक्शन d, x क्रॉस, ये हमारा कार्टिजन प्रोडक्ट है वही, जो कि हमारा किसकी तरफ जा रहा है, रियल नंबर की तरफ, सच दैट d ऑफ xn yn इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, जिसमें n सारे के सारे क्या है नेचुरल नंबर, xn माइनस yn। तो हमें क्या शो करना है कि जो xd है ना वो क्या है, एक मैट्रिक्स स्पेस है। सीधी सी बात है, हमारा हमें xd को मैट्रिक्स स्पेस कर प्रूफ करना है, तो हमें वो चारों प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करना पड़ेगा। और क्वेश्चन हमें इस तरीके का दे रखा है कि d ऑफ xn कोमा yn इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ n बिलोंग टू नेचुरल नंबर xn माइनस yn। अब क्या बात है कि जब हमें यहाँ पे जैसे सुप्रीमम टाइप का होता है या फिर इनफ्रीमम टाइप का प्रूफ करना होता है, तो हमें सबसे पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो ये वैल्यू है ना वो बाउंडेड है। क्यों ऐसा प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीमम मतलब होता है हमारा लिस्ट अपर बाउंड, और लिस्ट अपर बाउंड हमारा तभी एग्जिस्ट करता है जब हमारे जो सेट है वो क्या है, बाउंडेड है। ओके, हमें लिस्ट अपर बाउंड का तभी पता चलेगा ना कि जब वो हमारा जो सेट होगा वो बाउंडेड होगा। तो हमें सुप्रीमम का मतलब ही हमारा लिस्ट अपर बाउंड होता है, और लिस्ट अपर बाउंड हमें कब पता चलेगा, जब वो बाउंडेड होगा। तो इस कंडीशन, इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कराने से पहले, जो मैट्रिक्स स्पेस की कंडीशन है, सबसे पहले तो हमें क्या ही प्रूव करना पड़ेगा कि जो ये है ना हमारी चीज़ xn माइनस yn, वो हमारी क्या है, बाउंडेड है, मतलब जो ये वैल्यू है ना वो एग्जिस्ट कर रही है। पहले तो हमें यही प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो
क्यों प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, क्या पता ये बाउंडेड ही ना हो, तो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब ये तो हमारी एग्जिस्ट ही नहीं हो रही है वैल्यू। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि जो ये वैल्यू है वो एग्जिस्ट हो भी रही है या नहीं। ओके, तो अब देखो इसने क्या बोल रखा है कि एक्स डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस, मतलब जिसके अंदर ये एक्स एन टाइप की वैल्यू है, वाई एन टाइप की वैल्यू, वो सारी की सारी क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। एक्स के अंदर हमारी एक्स एन वाई एन टाइप की वैल्यूज हैं, और इन्होंने क्या बोल रखा है कि एक्स के अंदर जो भी सेट है वो सारे के सारे बाउंडेड हैं। देखो सबसे पहले तो हमें क्या पता है कि जो एक्स एन और हमारा जो वाई एन है ना, वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स के अंदर। ओके, देन हमें पता है कि जो एक्स इस सेट के सारे जो एलिमेंट्स हैं एक्स के अंदर जो भी हमारा है वो क्या है, सारी के सारी बाउंडेड सीक्वेंस हैं, तो हम बोल देंगे एक्स एन एंड वाई एन आर बाउंडेड सीक्वेंस। और बाउंडेड है तो वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर नंबर से छोटी भी होंगी। तो जैसे बाउंडेड, ये बाउंडनेस की डेफिनेशन ही लगा लो कि अगर ये बाउंडेड है तो ये किसी ना किसी पर्टिकुलर नंबर से छोटी भी होंगी, तो हमने क्या लगा लिया, और किसी ना किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ी भी होंगी। तो हम ऐसे करते हैं जैसे कि इस तरीके से हमने लगा लिया कि किसी ना किसी एक पर्टिकुलर नंबर से बड़ी भी है और किसी ना किसी एक पर्टिकुलर नंबर से छोटी भी है, तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, मोड ऑफ एक्स एन, तो वो लेस देन हमने लिख दिया, लेस देन इक्वल टू हमने किसके लिख दिया, के वन के। ऑल्सो जैसे वाई एन है उसके लिए हमने कोई पॉजिटिव नंबर लिया जो कि लिया है के टू, वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा के टू के। ओके, ये हमने कुछ नहीं, जो हमें गिवन था ना कि जो एक्स के अंदर जो हमारे सेट है वो सारी के सारी बाउंडेड सीक्वेंस हैं, तो हमने वही लिखा है कि एक्स एन और वाई एन बाउंडेड हैं, तो एक्स एन किसी न किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से क्या लेस देन इक्वल टू हो सकता है, तो लेस देन के वन, और इसका के टू लिख दिया। देन हमें तो क्या चाहिए कि एक्स एन माइनस वाई एन चाहिए है, इसको बाउंडेड प्रूव करना है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स एन माइनस वाई एन। ओके, इस तरीके से लिखेंगे हम एक्स एन माइनस वाई एन, इसकी हमें वैल्यू को निकालना है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये बाउंडेड होगी, तो हमने जैसे एक्स एन माइनस वाई एन ले लिया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मोड ये इसके इक्वल हो जाएगा प्लस वाई एन, ये हमारी मोड की प्रॉपर्टी होती है। देन ये वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू है के वन के, और ये वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू है के टू के। मान लिया हमने के वन प्लस के टू को अनदर कॉन्स्टेंट के हो गया, तो जो हमारा एक्स एन माइनस वाई एन है वो लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, के आ गया। इसका मतलब जो हमारा एक्स एन माइनस वाई एन है वो क्या प्रूव हो गया, बाउंडेड सीक्वेंस प्रूव हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, कि जो सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। तो सबसे पहले बस यही मेन बात थी इस क्वेश्चन में कि हमें जो सुप्रीमम वगैरह, यहाँ सुप्रीमम या इनफ्रीमम वगैरह दे रखा होता है ना, उसके लिए हमें पहले जो क्वेश्चन के अंदर बाउंडनेस को प्रूव करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें एक्स एन और वाई एन तो ऑलरेडी बोल रखा था कि बाउंडेड है, तो हमने ये लगा दिया। देन जो हमें तो प्रूव क्या करना है, एक्स एन माइनस वाई एन बाउंडेड होना चाहिए, तो हमने वो लिख दिया कि ये बाउंडेड हो गया, तो हमारा जो सुप्रीमम एक्स एन माइनस वाई एन है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें एक्स डी को मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करना है, तो हम वही चार प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि हमें उसको क्या दिखाना होता है कि जो वैल्यू है ना वो हमारी पॉजिटिव है। तो डी ऑफ एक्स एन वाई एन, ये जो हमारा है क्या है, नॉन नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। कैसे, ये वैल्यू किसके इक्वल है, मोड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन लिख देते हैं हम यहाँ पे, सुप्रीमम ऑफ एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एक्स एन माइनस वाई एन। ओके, अब देखो मोड के अंदर है ये वैल्यू नेगेटिव आई, पॉजिटिव आई, सोल्व करने के बाद क्या रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी क्योंकि मोड के अंदर है। तो हम लिख देंगे कि ये जो वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव रहेगी, नॉन नेगेटिव रहेगी। तो जो हमारा डी ऑफ एक्स एन और वाई एन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इक्वल टू जीरो कब होगा, अगर ये वैल्यू इक्वल होगी, मान लो एक्स एन और वाई एन की वैल्यू इक्वल होगी तो ये जीरो आ सकता है, और अगर ये वैल्यू अनइक्वल है तो ऑलवेज ये जो इनका आंसर होगा वो पॉजिटिव आएगा, मतलब या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू जीरो हो सकता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एन वाई एन जो कि बिलोंग कर रही है कैपिटल एक्स के अंदर। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती थी कि जिसमें हमें प्रूव करना होता था कि जो ये वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। ओके, देन हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूव करना होता है कि जो हमारा, उसमें हम लिखते थे नॉर्मल कि जो डी एक्स वाई अगर ज़ीरो है तो एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी होती थी। इसमें हमारा थोड़ा इस तरीके से है, एक्स एन वाई एन अगर हमारा ज़ीरो है तो हमें
क्या प्रूव करना है, x इज इक्वल टू वाई। तो देखो अब ये वैल्यू हमारी जीरो है, अब ये वैल्यू हमारी क्वेश्चन में किसके इक्वल दे रखी है, इसके इक्वल तो हम इसकी जगह ही लिख सकते हैं कि सुप्रीमम n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एक्स एन माइनस वाई एन इक्वल टू जीरो। अब हम ये लिख सकते हैं, अगर हमारी देखो क्या है, अब ध्यान से देखना कि सुप्रीमम क्या है, हमारी सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू हमारी क्या है, ज़ीरो है, ओके। और हमने यहाँ क्या प्रूव किया है कि सारी की सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव हैं, ओके। सारी की सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव हैं, मतलब कि नॉन नेगेटिव हैं। सबसे बड़ी वैल्यू है ज़ीरो और सारी की सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव भी हैं। अगर सबसे बड़ी वैल्यू ज़ीरो है तो क्या हुआ, तो हमारी हर एक टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि देखो सुप्रीमम का क्या मतलब है कि हमारी सबसे बड़ी वैल्यू, अगर सबसे बड़ी वैल्यू ही ज़ीरो है तो बाकी सारी टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं, और वो भी हमारी, और सुप्रीमम क्या वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है और बाकी सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगी, हमारी ज़ीरो ही नहीं हो जाएंगी। मतलब क्या कहने का मतलब है कि ये सारी टर्म हैं हमारी पॉजिटिव। ध्यान से सुना, ये थोड़ा अलग सा पॉइंट है, मैंने काफ़ी टाइम्स रिपीट भी कर दिया लेकिन शायद आपको समझ नहीं आया होगा। इसमें मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि सबसे बड़ी वैल्यू ज़ीरो है और यहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि सारी की सारी वैल्यू या तो ग्रेटर देन ज़ीरो है या फिर इक्वल टू ज़ीरो है। अब सबसे बड़ी वैल्यू ही ज़ीरो है यहाँ पे, तो इसका मतलब हमारा क्या हो, और कोई भी वैल्यू ज़ीरो से छोटी भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि जो सारी की सारी टर्म्स है वो किसके इक्वल आ गई, ज़ीरो के इक्वल आ गई। तो हम क्या लिख देंगे कि एक्स एन माइनस वाई एन क्या हो गया, ज़ीरो। तो एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन हो गया हमारा, और एक्स एन इक्वल टू वाई एन का हमारा यहाँ पे क्या मतलब है कि एक्स वन वाई वन के इक्वल है, एक्स टू वाई टू के इक्वल है, एक्स थ्री वाई थ्री के इक्वल है, और जो एक्स एन है वो हमारा वाई एन के इक्वल है, ओके। तो हमारा इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्स एन है ना वो किसके इक्वल आ गया, वाई एन, मतलब सिक्वेंस हमारी इक्वल आ गई इसकी, ओके। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। नॉर्मल सी तो वैसे क्या बात थी कि अगर ये इसके इक्वल टू हैं तो हमारी ये कंडीशन है, देन हमारी सबसे बड़ी वैल्यू ही ज़ीरो है, तो हमारी जो सारी की सारी और सारी की सारी टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं, मतलब तो हमारी इसका क्या मतलब हो गया कि सारी की सारी टर्म्स इक्वल होंगी किसके, ज़ीरो के इक्वल होंगी, तो एक्स एन इक्वल टू वाई एन आ गया। तो जैसे ही हम इसका मतलब क्या है कि एक्स वन वाई वन के इक्वल, एक्स टू वाई टू के इक्वल, एक्स थ्री वाई थ्री के इक्वल है, यहाँ आप लिख सकते हैं फॉर ऑल एन, सारे के सारे एन के लिए, एन की वैल्यू क्या हो सकती है, वन टू थ्री फोर अप टू सो ऑन, ओके। तो हमारे यहाँ क्या हो गया कि सिक्वेंस इक्वल हो गई इससे, तो हमारी इस प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक। आप चाहें तो ये भी कर सकते कि एक्स एन इक्वल टू वाई एन है तो उल्टा जाते हुए ये इसके इक्वल आ जाए। देन थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि हमें सिमेट्रिसिटी को दिखाना होता है कि डी ऑफ जैसे एक्स एन वाई एन है। अब देखो ये किसके इक्वल हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सुप्रीमम ऑफ एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एक्स एन माइनस वाई एन, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। देन हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ऑलवेज यही करते हैं हम, पिछले लेक्चर में भी हमने ऐसे ही किया था, माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया हमारा यहाँ वाई एन माइनस एक्स एन। देन मोड से माइनस अगर हम बाहर निकाल लें तो ये क्या बन जाएगा, सुप्रीमम ऑफ एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर वाई एन माइनस एक्स एन। अब जैसे ये हमारा एक्स एन वाई एन सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन है, तो ये वाई एन माइनस एक्स एन क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑफ वाई एन एक्स एन। इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि जो ये वैल्यू और ये वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हमारी सिमेट्रिसिटी चेक हो गई, ये प्रूफ हो गया कि ये सिमेट्रिक है। देन है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे वो, ओके। तो उसमें हम क्या ही स्टार्टिंग करेंगे, यहीं से देख लेते हैं कि जैसे एक्स एन वाई एन हमारा ये दे रखा है, तो हम एक अनदर वैल्यू लेते हैं जेड, तो जैसे इसमें हम जेड एन ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर जेड एन को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही फिर वैल्यू आ जाएंगी लेस देन ऑफ जो आती हैं जैसे डी एक्स जेड और डी जेड वाई, उस तरीके से आती थी, तो वो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होती थी, तो हम वो करेंगे, ओके। तो फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है कि जैसे हम क्या लेते थे पिछले क्वेश्चंस में एक्स वाई जेड,
जो बिलोंग करती थी कैपिटल एक्स से। यहाँ हमारे क्या है एक्स एन, वाई एन एंड जेड एन जो कि बिलोंग करेंगे कैपिटल एक्स से। उसके बाद हमें जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक्स एन माइनस वाई एन इस तरीके से गिवन है ना। तो हम क्या करते थे इसके अंदर जेड एन जैसे जो थर्ड मेंबर लिया था वो एड एंड सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये मोड है तो मोड वाले क्वेश्चन में हम ऐसे ही करते थे कि एक्स एन के अंदर जो जेड एन है वो एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस हो वाई एन। देन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मोड एक्स एन माइनस जेड एन प्लस, ये हमने दोनों इकट्ठे ले लिए, ये दोनों इकट्ठे ले लिए प्लस जेड एन माइनस ऑफ वाई एन, ये मोड की प्रॉपर्टी होती है, इसको हम ऐसे ओपन करते हैं। ओके अब देखो ये क्या है, हमें तो किसके अंदर चाहिए, हमारा जो रूल है वो सुप्रीमम के फॉर्म में है। तो हम क्या ले सकते हैं कि अगर ये वैल्यू ऐसे है तो मैं ये लिख दूँ, मान लो सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस जेड एन प्लस सुप्रीमम ऑफ जेड एन माइनस वाई एन। इसका क्या मतलब है कि सबसे बड़ी वैल्यू इसकी, सबसे बड़ी वैल्यू, और इसका क्या मतलब इसकी सबसे बड़ी वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं ना कि जो इनकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो इससे बड़ी होगी। सिमिलर हमने ये लिख दिया, तो हमने ये इस तरीके से लिख दिया। आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते थे कि यहाँ पे हम सुप्रीमम लें, देन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीमम, तो हम इस तरीके से लिख दें, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू इससे बड़ी ही होगी, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू इसकी बड़ी होगी, तो आप इस तरीके से लिख देना। ओके देन अब देखो कि एक्स एन माइनस वाई एन हमारा क्या होता था, यहाँ से एक्स एन माइनस वाई एन हमारा डी ऑफ एक्स एन वाई एन होता था। एक मिनट, जैसे आपका यहाँ चल रहा था, फिर हमने क्या लिया सुप्रीमम लिया, तो इधर भी हम सुप्रीमम लेंगे ना, तो सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन इस तरीके से चल रहा है। ओके तो सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन है, जैसे वो हमारा क्या है सुप्रीमम ऑफ एक्स एन वाई एन, मतलब डी ऑफ एक्स एन वाई एन एक्स एन वाई एन इस तरीके से होगा। ये हमारा क्या होगा अगर इसी तरीके से देखें तो हम डी ऑफ एक्स एन जेड एन, ये आप लगा देना ब्रेसिस, प्लस ये हमारा डी ऑफ जेड एन वाई एन हो गया। यही होती है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमें इस तरीके से प्रूव करते हैं। ओके आई थिंक हमारा एक और क्वेश्चन ही हो पाएगा इस लेक्चर के अंदर। ओके तो हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इसी टाइप का होता है, मैं एग्जांपल्स में देखती हूँ वो कौन सा क्वेश्चन है, तो हम वो करेंगे एक और क्वेश्चन। ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, मतलब आना चाहिए आपको अच्छे से। क्या था इसके अंदर एक बार और मैं ब्रीफ दे देती हूँ आपको इसकी, कि जो एक्स है वो हमारा सेट डिनोट कर रहा था बाउंडेड सीक्वेंस का। इस तरीके से हमें क्वेश्चन दे रखा था, जब ऐसे सुप्रीमम या इनफ्रीमम गिवन हो ना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी अगर ऐसा हो, तब वो सबसे पहले क्या प्रूव करना है कि जो ये टर्म है वो हमारी बाउंडेड जरूर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक्स एन और वाई एन हमें बाउंडेड गिवन थे, तो वो किसी पर्टिकुलर नंबर से छोटे और बड़े हो सकते हैं, तो लेस देन इक्वल टू के वन लेस देन इक्वल टू के टू हमने ले लिया। देन हमें तो एक्स एन माइनस वाई एन को बाउंडेड प्रूव करना है, तो ये वैल्यू तो लेस देन इक्वल टू के वन थी, ये के टू। देन हमने मान लिया कि इन दोनों को कोई अनदर कांस्टेंट के मान लिया, तो एक्स एन माइनस वाई एन लेस देन आ गई के। अगर ये लेस देन इक्वल टू के आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, जी ये टर्म है वो बाउंडेड हो गई, और इसका मतलब क्या आ गया कि सुप्रीम ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन जो है एग्जिस्ट कर रहा है। देन हमें क्या प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स स्पेस है। मैट्रिक्स स्पेस के लिए हमें चार प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है, कि सबसे पहले तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, अगर मोड के अंदर है तो वो पॉजिटिव है। देन हमें प्रूव करना है कि डी ऑफ एक्स एन वाई एन अगर जीरो तो एक्स एन इक्वल टू वाई एन होगा, ये हमने कर लिया। देन सिमेट्रिसिटी वो हमने प्रूव कर ली। देन फोर्थ पॉइंट हमारा होता है कि इसके अंदर जी अगर यहाँ मोड है तो हमने जेड एन को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा ये प्रूफ हो गया, ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है। अब हम एक एग्जांपल और देखेंगे, ये है आपका एग्जांपल नंबर 9th इसी तरीके का, इसलिए मैं बुक से ही करा रही हूँ, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। वैसे भी ये बिल्कुल सेम ही टाइप का है लेकिन फिर भी करा रही हूँ। देखो क्या, लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, वही जैसे उसमें बोल रखा था ना कि बाउंडेड फंक्शन है जो कि डिफाइन किया गया है ए बी के ऊपर, ए से बी, ए और बी के जितने भी बीच में पॉइंट होंगे वो सारे भी इंक्लूड हैं, और ए भी इंक्लूड और बी भी इंक्लूड है क्योंकि क्लोज ब्रेसिस हैं। एंड लेट डी बी अ फंक्शन सच दैट, और डी हमारा जो फंक्शन है डी एफ जी का फंक्शन वो इस तरीके से की है कि सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग टू ए बी एफ एक्स माइनस जी एक्स फॉर ऑल एफ जी जो कि बिलोंग कर रहे हैं किसके अंदर, एक्स के अंदर। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो एक्स डी है ना वो क्या है, मैट्रिक स्पेस। कितनी बार पेपर में भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो पहले करवाया था वो भी इंपॉर्टेंट था। अभी देखो इसके अंदर भी वही बाउंडेड फंक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ना कि
किसी पर्टिकुलर नंबर से लेस देन या इक्वल टू के होगा, वही हमें लगानी होती है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे स्टार्टिंग करी थी। मैंने आपको बताया था ना कि अगर यहाँ पे अगर हमें प्रूफ में जिस तरीके से कि एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करना, तो यहाँ पे अगर यहाँ सुप्रीमम या इनप्रीमम हो तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि इसकी बाउंडनेस को बताना है। अगर हमें इसकी बाउंडनेस का पता चल गया तभी हम बोल सकते हैं कि जो ये वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगी, और वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तभी हम इसको एक्स डी को मैट्रिक्स स्पेस प्रूव कर सकते हैं। अगर वैल्यू ही एग्जिस्ट ना करे तो क्या मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो क्या है, एफ जी है जो हमारा, वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एक्स के अंदर। देन जो सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग टू ए बी एफ एक्स माइनस जी एक्स है, इस तरीके से है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीमम की प्रॉपर्टी हमने ये टोपोलॉजी वाले चैप्टर में सिक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। अगर याद नहीं है तो यहीं देख लो, जितना यूज़ होगा उतना ही देख लो, कि जो सुप्रीमम ऑफ दिस है वो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीमम की प्रॉपर्टी होती है कि वो लेस देन होगा इसके प्लस इसके, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। देन ये हमारा क्या है, डी ऑफ एफ जी इक्वल टू आ गया सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब देखो ये वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू होगी इस एफ एक्स की, ये वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू होगी जी एक्स की, लेकिन ये इन्फिनिटी से तो कम ही होगी। अगर ये इन्फिनिटी से कम होगी तो ये वैल्यू भी इन्फिनिटी से कम होगी, क्योंकि ये वैल्यू तो इससे भी छोटी है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो एफ जी है ना वो डिफाइंड है, कि मतलब ये वैल्यू है ना वो पर्टिकुलर किसी वैल्यू से छोटी तो है ही। अगर हम इन्फिनिटी से भी उसको छोटा प्रूव कर देते हैं ना, तो उसका मतलब यही होता है कि वो बाउंडेड तो है, मतलब किसी पर्टिकुलर वैल्यू से हमने इसको छोटा प्रूव कर दिया तो वो वेल डिफाइंड है। वैसे तो इन्होंने कुछ खास यहाँ दे नहीं रखा है कि सीधा हमने क्या लिखा है यहाँ पे, कि सुप्रीमम की प्रॉपर्टी हमने लगाई, देन सबसे बड़ी वैल्यू है लेकिन इन्फिनिटी से तो छोटी होंगी ही, तो वो लिख दिया। देन डी एफ जी यहाँ हमें क्या पता चलेगा कि वेल डिफाइन है, बिल्कुल छोटा सा रूल लगा रखा है सीधा, कि सुप्रीमम वाला रूल लगा दिया, वो इन्फिनिटी से तो छोटा हो गई, तो ये वेल डिफाइन हमारा इधर से हो गया। देन हमें तो क्या प्रूव करना है कि ये तो हमने प्रूव कर दिया कि सुप्रीमम है, तो वो जो हमारा ये डी ऑफ एफ जी है वो एग्जिस्ट कर रहा है, डिफाइन है। अभी हमें तो क्या प्रूव करना है कि एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है, तो हमें वो चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। सबसे पहले डी एफ जी हमारा, देखो यहाँ इसका मतलब क्या है कि ये, और ये वैल्यू क्या है, मोड के अंदर है। अगर कोई भी वैल्यू मोड के अंदर है तो पक्का पॉजिटिव होगी, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो वो वैल्यू आंसर या जीरो आएगा, और अगर इक्वल नहीं है तो बाहर मोड है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो हमारी हो गई प्रूफ, कि जो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, जीरो होगी। देन अगर डी एफ जी जीरो है तो हमें एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्रूव करना, मतलब एफ इक्वल टू जी प्रूव करना है। डी एफ जी जीरो है, डी एफ जी का हमारा क्या मतलब है यहाँ से, ये तो डी एफ जी जीरो है तो ये टर्म भी हमारी जीरो हो गई, मतलब हमारा सुप्रीमम ऑफ दिस इक्वल टू जीरो। अगर सबसे बड़ी वैल्यू जीरो और बाकी सारी टर्म्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब सारी की सारी टर्म्स हमारी क्या होगी, जीरो होगी। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या होगा, जीरो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू जीरो, तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, मतलब एफ इक्वल टू जी आ गया। देखो यही बात लिख रखी है कि सुप्रीमम ऑफ नॉन नेगेटिव फंक्शन वैनिशेज इफ द फंक्शन वैनिशेज आइडेंटिकली, कि जो सुप्रीमम होगा ना नॉन नेगेटिव फंक्शन का वो खत्म हो जाएगा, वैनिश मतलब खत्म हो जाना, इफ़ द फंक्शन वैनिश आइडेंटिकली। ओके, देन हमारा थर्ड पॉइंट क्या होता है, ये तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि पॉजिटिव होगा। अगर डी एफ जी जीरो है तो एफ इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, हम सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं कि डी एफ जी है तो डी जी एफ भी इक्वल होगा। तो सुप्रीम डी एफ जी की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, तो हमने यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख दी। देन मोड के अंदर है तो हमने क्या लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है ऑलवेज एक्स बिलोंग टू जैसे ए बी, तो हम मोड के अंदर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जी एक्स माइनस एफ एक्स आ जाता है। देन मोड के अंदर अगर माइनस बाहर निकालें तो पॉजिटिव बन जाता है, तो क्या गया, जी एक्स माइनस एफ एक्स। तो ये हमारा क्या बन गया, डी ऑफ जी एफ। ओके, तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई, तो हमारा सिमेट्रिसिटी भी आ गई। देन फोर्थ पॉइंट है हमारा कि एफ जी एच बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स के अंदर, देन डी ऑफ एफ जी। वही मैंने बताया ना कि आज हम मोड वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे इसके अंदर एफ एक्स और जी एक्स है, तो हम मोड वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, फोर प्रॉपर्टी में इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे इसमें एफ जी है तो हम एक एच ले लेंगे जो कि बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स के अंदर ही, और उसको एड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस एच एक्स एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। देन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ हमारा वही सुप्रीमम की, तो हमारा ये आ गया। अब देखो
अगर हमारा जो डी ऑफ एफ जी एफ एक्स माइनस जी एक्स है सुप्रीमम का, तो हमारा सुप्रीमम एफ एक्स माइनस एच एक्स क्या हुआ, डी ऑफ एफ एच, सिमिलर ये क्या हो जाएगा डी ऑफ एच जी, तो ये हमारे से लेस देन आ गया और ये हमारी होगी फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ। तो हमारे ये क्वेश्चंस था। वैसे तो मैंने सोचा था कि और भी क्वेश्चंस हम कर लेंगे, लेकिन काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया है ऑलरेडी, तो हम जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं वो हम बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी यहाँ पे जो आपके मोड वाले क्वेश्चन थे ना वो सारे ख़त्म हो गए हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें थोड़ी जो प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी ना, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, वो अलग होगी। आपने वैसे अगर क्वेश्चन चेक किए हों तो बाकी उनमें थोड़ा अलग अलग मिलेगा कि फोर्थ पॉइंट में कुछ कुछ और लिख रखा है उन्होंने, बुक वालों ने, तो मैं आपको वो बताऊंगी किस तरीके से लिखना है। ओके, तो आज हमारे मोड वाले क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट्स में पूछ लिया करो।